गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। दहेज प्रथा एवं बाल विवाह रोकने के लिए कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी द्वारा एक अलग अभियान चलाया जा रहा है। सोसाइटी द्वारा झारखंड नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार में अभियान चलाकर दहेज प्रथा एवं बाल विवाह रोकने का कार्य किया गया है। सोसाइटी द्वारा अभियान चलाकर अभी तक 13,000 से अधिक लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया गया है। सोसाइटी द्वारा सामूहिक रूप से शादी कराई जाती है। कन्या एवं विकास सोसाइटी द्वारा पड़ोसी राज्य बिहार के विभिन्न जिलों में अब तक 13,000 से अधिक बेटियों की हाथ पीला कराया गया है। इसके को देखते हुए झारखंड के गढ़वा जिला में आगामी 6 दिसंबर को कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी द्वारा 151 बेटियों का हाथ पीला कराया जाएगा। सामूहिक विवाह कराने को लेकर सोसाइटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। विकास कुमार माली ने कहा कि आगामी 6 दिसंबर को टाउन हॉल के मैदान में सामूहिक रूप से बारात निकाली जाएगी। बारात रंका मोड़ होते हुए गढ़देवी मंदिर पहुंचेगी। उसके बाद मांझियाव मोड़ सोनपुर व मोहल्ला होते हुए स्टूडेंट क्लब छठ घाट के पास सामूहिक विवाह मंडप में पहुंचेगी। विकास ने बताया कि बेटियों की डोली उत्सव गार्डन से निकाली जाएगी। उत्सव गार्डन से निकलकर रंका मोड़ होते हुए स्टूडेंट क्लब के पास विवाह मंडल में पहुंचेगी। इसके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए फिर भी कम है, क्योंकि माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन अगर माँ बाप जन्म दिया अगर बेटी को संस्कार नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। ये कन्या विवाह सोसाइटी विकास सोसाइटी के माध्यम से जो विकास द्वारा सोसाइटी विकास व्यक्ति का नाम ही विकास है, दोनों एक साथ जुटा हुआ है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार में जिस तरह से हमने पेपर के माध्यम से सुना था और यहाँ जो आज कर दिखा रहे हैं, तो हमसे हमारी इनसे लंबी बातचीत हुआ है इस मीटर पर। और चूंकि हम 6 तारीख का इस प्रोग्राम में हम हैं, चूंकि यह ऐतिहासिक कार्य है, माँ बाप जन्म देता है और आज उस बेटी का जो विवाह करा रहे हैं जो असहाय है, निर्धन है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है, आज उस व्यक्ति को जो माथा पर उठा करके उसको जो कन्या दान करेंगे, हैं, इनके माध्यम से जो कन्या दान होगा, हैं, यह काबिलियत तारीफी है। अब रहा सवाल है कि इसको लिए जो धन का जरूरत है, जो विकास में जो सारा चीज जो है, निश्चित तौर पर इस तरह से बहुत सारे लोग समाज सेवी जो हैं जो इनको लोग मदद कर रहे हैं, सबको मदद करना चाहिए। और वो दिन जो 6 तारीख का गढ़वा जिला के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में उसको दिन को गिना जाएगा। और जितना भी लोग यहाँ का बुद्धिजीवी प्रगतिशील समाजसेवी जो भी लोग हैं इस कार्य को लिए सहयोग करना चाहिए, मानसिक सहयोग करना चाहिए, राजनीतिक सहयोग करना चाहिए, आर्थिक सहयोग करना चाहिए, तभी विकास के कार्य लोग बहुत सारा चीज जो होता है विकास के लिए रूप रूप रूपरेखा जो बोलता है, लेकिन ये कर दिखाए हैं। और वह है जो बिना निस्वार्थ भाव जिन बेटी का कन्या दान होगा, जिनके बाप का जो बेटी जो को जो कन्या दान नहीं कर पा रहे थे उसका कार्य जो आज कर रहे हैं, क्योंकि वह व्यक्ति के साथ बिल्कुल निस्वार्थ है, न उसे कोई लेना है न देना है, तो हम समझते हैं कि यह बहुत काबिलियत बात है और बहुत मैंने एक ऐतिहासिक कार्य है। और जिस आदमी का जो सोच है, इस सोच को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे विकास भी बढ़ाने के लिए हम लोग को मदद करना चाहिए। क्या कहा सोसाइटी के सचिव विकास माली ने? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों से और तथा हमारे जितने भी गढ़वा के जनप्रतिनिधि हैं या व्यवसायी संघ के सदस्य हैं या हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे लिए 6 दिसंबर सामूहिक विवाह में। और रह गई बात की जो लड़कियों की विवाह होता है जो रीति रिवाज से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों को उनके उनके रीति रिवाज से विवाह और निकाह दोनों कराया जाता है। लेकिन रह गई बात की अभी काम हम लोग का ज्यादा बढ़ा हुआ है, काम टाइम बहुत कम बचा है, तो उस दिन जो लड़कियों को देने वाला जो विदाई सामग्री है, ट्रंक, तोशक, रजाई, गोदरेज, पलंग, ड्राम सेट, बर्तन, गैस चूल्हा, कुकर, आयरन, मिक्सर और प्लस दूल्हा दुल्हन का पूरा ड्रेस, श्रृंगार के साथ जूता से लेकर पगड़ी तक,
ये सारा व्यवस्था हम लोग दोनों तरफ का करते हैं। प्लस आए हुए दोनों अतिथियों को यानी बराती और सराती, वर पक्ष वधु पक्ष, हमारे लिए तो दोनों बराती हैं, फिर भी हम दोनों पक्ष के आए हुए लोगों को पूरा भोजन की व्यवस्था होता है जो लंगर की तरह चलता है। हमारे यहाँ आने का कोई पाबंदी नहीं है कि आप लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो तो 5 आदमी आएंगे 10 आदमी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने लोग आएंगे उतने मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उतने नवविवाहित कन्याओं को आशीर्वाद मिलेगा और लोगों को देखकर जो गरीब यहाँ से बेटी विदा होंगी वो अपने अपने परिवार में रिलेशन में एक जाके मैसेज देंगे कि हमारे विवाह में फलना प्रतिनिधि आए, एसपी साहब आए, डीएम साहब आए, जो भी पदाधिकारी आएंगे, चाहे जो प्रतिनिधि आएंगे, जो सांसद आएंगे या हमारे पूर्व सांसद महोदय हैं, मैंने जितने भी सारे लोग हैं काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें और सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जिसे अभी तक जहां जहां जरूरत पड़ रहा है जिन लोगों को बोल रहे हैं तो सारे लोग की व्यवस्था सहयोग हो रही है। बस बसरते रह गई बात, कार्यक्रम बड़ा है और कोई काम भी बड़ा आयोजन बिना किसी के जन सहयोग से तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेड़ा लेके निकल चले हैं। अब उस निकलने में हम झोली फैलाएंगे, जितने लोगों को जो सहयोग करना होगा करेंगे, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। अब जो नहीं करेंगे उनको तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन अगर जो इस तरह का कन्यादान महादान में सहयोग करके और इस गढ़वा जिले के लिए एक ऐतिहासिक अगर देना चाहते हैं, गढ़वा का नाम इतिहास में रचना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि हर घर से हमको सहयोग मिलेगा और यही सहयोग की अपेक्षा में इतना बड़ा आयोजन लेके आए हैं। और बाकी रह गया कार्यक्रम में जो सामान बांटना है, सारा सामान की तैयारी चल रही है, अभी जो हम लगवा रहे हैं बनवा रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं।